हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। साथियों, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट ऑफिशियली वेबसाइट एक बार मैं थोड़ा दिखा देता हूं, उसके बाद हम जीडीएस की जो फोर्थ लिस्ट आ रही है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानेंगे। जैसा कि दोस्तों यहां पर फर्स्ट नंबर की जो ये लाइनें आपको दिखाई दे रही है, इस फर्स्ट लिस्ट की लाइन पर आपको बस यही दिखाई दे रहा होगा कि थर्ड लिस्ट जारी हो चुकी है और महाराष्ट्र और झारखंड की एंड 48 डिवीजन ऐसे हैं जहां की थर्ड लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। एंड यहां पर शेड्यूल जुलाई 2024 की लिस्ट फर्स्ट भी जारी हो चुकी है हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर अपडेट अभी आ रहा है। फोर्थ लिस्ट का अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, सेकेंड लाइन पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो मणिपुर डिवीजन है यानी कि नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंदर आता है, यहां 2023 में स्पेशल साइकिल और शेड्यूल सेकंड नाम से जो भर्ती आई थी उसकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। और यहां जब आप इस नोटिस के ऊपर आओगे तो 48 डिवीजन्स की जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से वो 48 डिवीजन है जहां का रिजल्ट अभी थर्ड पेंडिंग हो चुका है, जहां पर दोस्तों विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर के वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर कि आपको जैसे ही लिस्ट आएगा तो कहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों सिंपली आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी फोर्थ। इधर आपका ये 2023 वाली वैकेंसी की लिस्ट फर्स्ट आई हुई है और ये 2023 में जो साइकिल वाली भर्ती थी उसकी फर्स्ट लिस्ट आई है केवल मणिपुर डिविजन की। ठीक है, बाकी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस की फोर्थ लिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड आपका किस डेट के भीतर ये फोर्थ लिस्ट आएगी। तो चलिए दोस्तों उस महत्वपूर्ण हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पर जहां पर मिलेगा आपको सारा पूरा का पूरा कंटेंट। देखिए साथियों, ये हमारा ऑफिशियली वेबसाइट है अभिषेक क्लासेस, सत्यता हमारी पहचान, और यही पर हम देख पाएंगे साथियों। यहां पर आपको बता दूं कि जो लिस्ट आई है उसका संपूर्ण जानकारी एंड जीडीएस भर्ती के रिलेटेड पूरा का पूरा मेथड। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ओनली आपको बताने वाला हूं जो जीडीएस की फोर्थ लिस्ट आ रही है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा जीडीएस लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन के अंदर। बाकी आप अबाउट जीडीएस सेक्शन के अंदर जब आओगे तो यहां पर भी आपको फोर्थ लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो वह जानकारी हमको मिलेगी जो हम जानकारी हम लेना चाहते हैं। जैसा कि साथियों यहां पर साफ-साफ आपको दिखाई दे रहा है ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस वैकेंसी फोर्थ मेरिट लिस्ट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है। साथियों यहां पर वो जानकारी दे रखी है जो आप बार बार पूछते रहते हो, तो वो एक बार आप यहां देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम जीडीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट फोर जानने की कोशिश करते हैं, वो भी दोस्तों सर्किल वार। ठीक है, एक एक सर्किल की बातें करेंगे, उसके बाद हम डिविजन की बातें करेंगे कि किस डिविजन से कितना कट ऑफ रहने का अनुमान है। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर मध्य प्रदेश सर्किल की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश का जो फोर्थ लिस्ट आ रहा है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। यहां पर हम लोग जो है कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो 92 रहने की पॉसिबिलिटी बनती है। ओबीसी कट ऑफ 93 है, एससी 89, एसटी 85, ईडब्ल्यूएस 89.6, पीडब्ल्यूडी 73.2। अब मध्य प्रदेश के अंदर किस डिविजन का कट ऑफ इतना रहेगा उसकी भी हम नेक्स्ट अभी इसको बता देता हूं, उसके बाद बातें करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर हिमाचल प्रदेश सर्किल। अगर प्यारे बच्चों आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर फॉर्म डाला है तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ कुछ इस तरीके के है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो 94.24, ओबीसी 91, एससी 94, एसटी 87.8, ईडब्ल्यूएस 93.43, पीडब्ल्यूडी 92.14। ठीक है, नेक्स्ट हम चलिए बात कर लेते हैं यहां साथियों बिहार स्टेट की। तो बिहार में भी खूब सारा कट ऑफ जाता है, तो उसकी भी हम यहां पर एक बार देख लेते हैं कि बिहार का कट ऑफ अनरिजर्व का 89.3, ओबीसी 91.2, एससी 89.2, एसटी 75.2, ईडब्ल्यूएस 89.8 और पीडब्ल्यूडी 74.8 कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी बन रही है साथियों। नेक्स्ट साथियों यहां पर हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सर्किल्स का कट ऑफ वैसे कम रहता है लेकिन इस साल मुझे थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे कि अनरिजर्व का 95.1, ओबीसी 95, एससी 94.3, एसटी 91.3, ईडब्ल्यूएस 92.67, पीडब्ल्यूडी 81.16, यहां पर कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी बन रही है प्यारे साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश सर्किल की। तो उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, अनरिजर्व 93.1, ओबीसी 92.6, एससी 66। अब दोस्तों यहां पर जो एससी का कट ऑफ है 66 है, इसको आप कम से कम दोस्तों बढ़ाकर ही चलना क्योंकि इतना कट ऑफ नहीं रहने वाला है, ज्यादा ही कट ऑफ रहेगा। एसटी 91.2, ईडब्ल्यूएस 78.13, पीडब्ल्यूडी 91.28.5, ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। नेक्स्ट यहां
यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साथियों, आपको जो जो पहले हिंदी सर्कल है उनको मैंने लिया है, तो झारखंड, ठीक है, अगर आपने झारखंड से फॉर्म अप्लाई किया है इस बार जीडीएस की वैकेंसी का, तो झारखंड अनरिजर्व 91.2, ओबीसी 91.2, एससी 89.2, एसटी 86.4, ईडब्ल्यूएस 87.2, पीडब्ल्यूडी 18%। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सर्किल अभी रह रहे हैं, तो एक एक करके सारे के सारे सर्किल्स का मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का कट ऑफ कुछ इस तरीके के रहने वाला है, आप लोग एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान, तो राजस्थान का कट ऑफ कुछ कैटेगरी वाइज इस तरीके का रहने वाला है। राजस्थान के अलावा मैं बात करूं गुजरात सर्किल का, तो गुजरात का कट ऑफ इस तरीके का रहने वाला है। गुजरात के बाद हम बात करें महाराष्ट्र सर्किल की, तो महाराष्ट्र से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो महाराष्ट्र का कट ऑफ कुछ इस तरीके का रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अदर लैंग्वेज वाले सर्किल आ जाते हैं, जैसे कि कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आसाम और आंध्र प्रदेश सहित और भी नीचे सर्किल है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और दिल्ली। किसी भी सर्किल से अगर आपने फॉर्म डाला है इस बार जीडीएस भर्ती का, तो आसानी से आप जो लोग जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हो। बड़े ही आसान माध्यम से मैंने आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ बताया है साथियों, कुछ इस तरीके का ही फोर्थ लिस्ट का कट ऑफ रहने वाला है। अब ये आपको जानना जरूरी है साथियों कि सर्किल वार को ये कट ऑफ हमने बता दिया कि किस सर्किल का कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन ये कट ऑफ जो बताया वो किस डिविजन का कितना जाएगा ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो हम डिविजन वाइज बात करते हैं जीडीएस की कट ऑफ की, तो यहाँ पर आपको वैक आना पड़ेगा हमारी वेबसाइट के होम पेज पर। जैसे ही आप लोग होम पेज पर आओगे, यहाँ पर साथियों जीडीएस कट ऑफ 2024 डिवीजन वाइज कट ऑफ हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि डिवीजन वाइज कट ऑफ यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर हमने क्लिक किया तो जीडीएस की जो थर्ड लिस्ट आई हुई है इसका किस डिवीजन से कितना कट ऑफ गया है वो एक बार आप लोगों को चेक करना है। जैसे ही आप लोग चेक करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि फोर्थ लिस्ट आने वाली है, तो फोर्थ लिस्ट का जो कट ऑफ है वो डिवीजन वाइज कितना चला जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। चलिए बताइए कौन से सर्किल का आपको डिवीजन वाइज कट ऑफ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी छोड़ देना। मैं ओनली एक सर्कल का यहां पर उठा रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए मैं सपोर्ट करता हूं यहां पर उत्तराखंड का उठा लेता हूं, ठीक है। उत्तराखंड सर्किल का हमने यहाँ पर कट ऑफ देखा डिवीजन वाइज। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दूं कि उत्तराखंड सर्किल की जो लिस्ट थर्ड आई उसमें 193 कैंडिडेट्स का नाम आया, जिसमें अनरिजर्व के 100, ईडब्ल्यूएस 11, ओबीसी 20, एससी 32, एसटी 11 और पीडब्ल्यूडी 19 कैंडिडेट्स का नाम आया। साथियों यहाँ पर हम उत्तराखंड में डिवीजन वाइज कट ऑफ के ऊपर आते हैं, तो डिवीजन वाइज कट ऑफ कुछ इस तरीके का रहता है। अल्मोड़ा डिवीजन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो अल्मोड़ा का जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से गया है। आने वाली फोर्थ लिस्ट का कट ऑफ भी सेम यही रहने वाला है। ऑल ओवर कट ऑफ देखे तो साथियों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 99 रहा है, ओबीसी 100% रहा, पीडब्ल्यूडी 83.83, एससी का 100% रहा, एसटी का 88.6 रहा और अनरिजर्व का 100% रहा। डिवीजन की कट ऑफ की बात करूं तो अल्मोड़ा डिवीजन का जो कट ऑफ है सबसे कम 83.83 रहा। अब हम देख लेते हैं किस कैटेगरी का रहा, कौन से पोस्ट के लिए रहा। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं एबीपीएम की, तो एबीपीएम अनरिजर्व 99 पर सिलेक्शन हुआ, ओबीसी 100% पर सिलेक्शन हुआ, पीडब्ल्यूडी 87.8 पर सिलेक्शन हो गया, एससी का 100%, एससी 88.6, अनरिजर्व 100%, डिवीजन का कट ऑफ 87.8 गया एबीपीएम के पद के लिए। बीपीएम की बात करें तो 99.8 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का गया, ओबीसी 100% रहा, पीडब्ल्यूडी 83.83 रहा, यानी कि सबसे कम यहां पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कट ऑफ गया है, वो भी बीपीएम का गया है साथियों। तो मैंने डिविजन्स का कट ऑफ सबसे लोएस्ट 83.8333 रखा। एससी एसटी की वैकेंसी नहीं, अनरिजर्व का 100% गया। कुछ इस तरीके से दोस्तों यहां पर डिविजन वाइज आप लोग कट ऑफ यहां पर देख सकते हो। चलिए दोस्तों यहां पर हम देखते हैं देहरादून डिविजन की, तो देहरादून डिविजन का कट ऑफ कुछ इस तरीके से गया है, आप आसानी से देख सकते हो। देहरादून के बाद आप नैनीताल डिविजन से फॉर्म अप्लाई किए हो, आप पहुरी डिविजन से अप्लाई किए हो, पिथौरागढ़ से अप्लाई किए हो, चाहे आप आरएमएसडीएन डिवीजन से अप्लाई किया हो, चाहे टेहरी डिवीजन से अप्लाई किया हो, किसी भी डिवीजन से आपने अप्लाई किया तो उसका आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जान सकते हो। साथियों वापस बैक आता हूं, और वापस बैक आते हैं तो यहां पर जैसे कोई और सर्किल उठाया उत्तर प्रदेश का हमने देखा, तो उत्तर प्रदेश में भी आप लोग यहां पर डिवीजन वाइज कट ऑफ आसानी से देख सकते हो, और फोर्थ लिस्ट का जो कट ऑफ है वो भी सेम यही रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि सबसे पहले आपको आगरा डिवीजन का कट ऑफ दिखाई दे रहा है, आगरा डिवीजन की कट ऑफ के ऊपर
सबसे पहले पोस्ट वाइज आप देख लेना, उसके बाद किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है वो आसान तरीके से आपको यहां दिखाई दे रहा होगा साथियों। टोटल आप डिविजन्स का कट ऑफ देखना चाहो तो लोएस्ट जो कट ऑफ है वह साथियों आपको यहां देखने को मिलेगा 86 कट ऑफ गया है। कहां का? उत्तर प्रदेश में आगरा डिविजन का कट ऑफ कितना गया है 86। उसी प्रकार आप आजमगढ़ डिविजन का कट ऑफ अगर देखें तो आजमगढ़ डिविजन की कट ऑफ के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहां पर 92.4 गया है। ये डिविजन का कट ऑफ यहां पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। किसी भी डिविजन का पहले मुझे कॉमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप लोगों ने सभी ने किस किस डिविजन से इस बार फॉर्म अप्लाई किया है, जिस जिस डिविजन से अप्लाई किया है उन सभी डिविजन का कट ऑफ आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं ब्रह्मांड में चाहे आप कहीं भी घूम लेना, लेकिन इस तरह का कंटेंट आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि इस कंटेंट को दिखाने में, बच्चों को प्रोवाइड करवाने में बहुत सारी मेहनत लगती है साथियों, ठीक है। एक एक करके सबकी सब डिविजन का कट ऑफ बताना मुश्किल ही नहीं ना मुश्किल का काम है, लेकिन हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके इतना सारा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है साथियों एक बार आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, हम पर भरोसा करें और इस वीडियो को खूब सारा प्यार करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, जीडीएस की फोर्थ लिस्ट आ रही है साथियों, और फोर्थ लिस्ट की बात करूं तो यह 15 नवंबर के आसपास आ रही है, आप लोग बिल्कुल तैयार रहे। एंड साथियों आपको ये भी पता चल चुका है कि किस डिविजन का कट ऑफ कितना रहने वाला है, जाइए आइए वेलकम वेबसाइट पर और देखिए आपका क्या कुछ है। कट ऑफ के अलावा इस वेबसाइट पर जीडीएस के रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। वो कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उसी प्रकार आप हमारी वेबसाइट पर एक बार आइए देखिए क्या कुछ है, फिर एक एक करके सारे फोल्डर को चेक कीजिए, फिर बताना क्या आपको मजा आया, ठीक है दोस्तों। तो जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। एंड क्या आपको भी है जीडीएस की फोर्थ फिफ्थ सिक्स लिस्ट का इंतजार? क्या आपको भी इस बार लेना है जीडीएस में सिलेक्शन? तो दोस्तों सभी से निवेदन है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।